हेलो स्टारियन, तमाम प्रतिकूलताओं के बाद फाइनली नीट 2020 ओवर हुआ। आप सभी पेपर दे चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की। जहां तक बात करें इस पेपर में, तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बैलेंस और सामान्य आया हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक और जनरल, इस प्रपोर्शन में पेपर है। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑर्गेनिक का देखें आप, दिया हुआ है आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, टॉलुइन दिया हुआ है, क्लोरीन और H2 के साथ रिएक्ट कराना है। आप समझते हो H2 अगर दिया हुआ है तो ये ड्रास्टिक कंडीशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CH3 पर रिएक्शन होगा। फर्दर हेलोजनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आप याद करो, अगर टॉलुइन का हम हेलोजनेशन कराते हैं तो ये वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट करने के बाद CH2Cl में, टू इक्विवेलेंट से रिएक्ट करने के बाद CHCl2 में, और थ्री इक्विवेलेंट से रिएक्ट करने के बाद CCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें विनाइल सिस्टम की, तो इस हाइड्रोलिसिस में ये Cl OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में बदल जाएगा। इस सिस्टम के अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो Cl है, दो OH लगेगा। आप जानते हो एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इलिमिनेशन ऑफ वाटर, और फिर ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तीन क्लोरीन है तो तीन OH, और ये एसिड में, तो यहां पर जो है CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, करेक्ट आंसर आपका CHCl2। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, CHCl2 ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट होगा।